सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सुबह सुबह का टाइम है गाइज़। आप लोग सोच रहे होंगे पागलों की तरह क्या व्लॉगिंग कर रहा है सुबह सुबह इतने अंधेरे में। तो गाइज़ मैं बता देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं दिल्ली इवेंट में रेड बुल के लिए। हम लोग मतलब मैं, सौरभाई और पीयूष भी जा रहा है आज। तो पता नहीं जा भी सकता है, नहीं भी सोया होगा तो आपको कोई कुछ नहीं आ सकता। तो दिव्यांश भाई भी जा रहे हैं, तो मैं फटाफट उठाता हूँ अभी दिव्यांश भाई को और चल देते हैं हम फटाफट सुबह सुबह इतने अंधेरे में दिल्ली की ओर, क्योंकि जल्दी पहुँच जाते हैं और ट्रैफिक भी नहीं मिलता है। बहुत कुछ होता है। तो फटाफट बहुत एक्साइटेड हूँ मैं सुबह, मतलब रेड बुल के इवेंट में जाने के लिए। समझ रहे हो, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो थोड़ा एक्साइटेड हूँ। और जा रहे हैं अभी मैं जा रहा हूँ सौरभ भाई के घर तक, इसमें मिनी कूपर में। जो नाइस। और लड्डू भी उठ चुका है, मैं भी उठ चुका हूँ। तो ठीक है, चलते हैं फटाफट भाग के। क्यों रे लड्डू, भाग गया। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस दिव्यांश भाई भी आ चुके हैं मस्त। मिलाते हैं इनसे हाथ, है ऐसे व्लॉग के लिए हाथ मिलाना पड़ता है। तो चलो फटाफट अब चलते हैं सौरभ भाई के घर पे। ठंड बहुत हो रही है सौरभ भाई। भाई ये क्या है, इतना कूड़ा कचड़ा। अरे यार ये रहने दो भाई। सो गाइस कॉलोनी में तो पहुंच गए, तो मस्त गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दी हमने और अब चलते हैं फटाफट सौरभ भाई के घर पे। हाँ ठीक है, मतलब घर पे थोड़ा सा दूर है, हम चल के जा रहे हैं। हमने पार कर दी थी साइड में, कोने में साइड कर दी थी, पार कर दी थी। चलो सो फाइनली गाइस निकल चुके हैं हम यहाँ से दिल्ली की ओर सौरभ भाई की गाड़ी पे। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं हम बीकानेर वाला। बीकानेर कैसा दिखता है आप लोगों को पता ही है, तो बढ़िया है फिर देखो। और फिर हमने मंगा लिया खाना मस्त सा, आलू का पराठा, दही और जो भी था अचार वगैरह जो भी था, खाया पिया मस्त। तो गाइस बीकानेर वाला से हो गया है खाना पीना मस्त। अब चलते हैं फटाफट दिल्ली की ओर बिना रुके। अब यहाँ से आ गई है बारी हमारी पहुँचने की दिल्ली। तो आपको दिख रहा होगा दिल्ली पहुँचते ही सबसे पहले दिखता है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन दिख गया तो मतलब दिल्ली पहुँच गए। सो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में। तो ठीक है, एंट्री करते हैं मस्त, फिर सो जाएंगे। होटल कुछ ऐसा दिखता है और पीयूष हमेशा फ्रेम में आता है हर किसी के। तो ठीक है, कुछ ऐसा सब दिख रहा था। हम वेट कर रहे थे यहाँ पे। फिर पहुँच गए हम लोग अपने रूम पे और रूम दिखाना तो बनता है। तो यहाँ पे है बाथटब, इसके अपोजिट में है शावर और उसके अपोजिट में है, आप लोगों को पता ही है, बताना ज़रूरी नहीं है। तो चलो अब दिखाता हूँ आपको मैं बाहर से। सो गाइज रूम कुछ ऐसा दिखता है, बगल में बाथरूम, यहाँ पे बेड और हम 5 लोग इसमें फिट आ गए थे, तो अच्छा था। यहाँ चल रहा था टाइम लैप्स, तो भाई बना रहे थे अपना, मैं बना रहा था अपना। तो व्यू तो कुछ ऐसा दिख रहा है भैया, देख लो अच्छा है। अब शुरू होगा टाइम लैप्स। सो गाइज जब तक टाइम लैप्स चल रहा था तब तक मैं करने लग गया रिसर्च, और रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि यहाँ तो है फ्रिज। फ्रिज में थी ये हमारे लाइक की चीज़ नहीं है, ये थी हमारी लाइक की चीज़, ये भी हमारे लाइक की चीज़ नहीं है। तो मैंने ये निकाला और बस फिर पीना तो बनता है, फिर फ्री की चीज़ का हम तो लपेट ही लेते हैं। तो इसको करते हैं बंद और हम खा पी के जो भी था रेस्ट वूस्ट करके निकल गए इवेंट के लिए और फिर चल दिए। फिर अब ये रास्ते का सीन आप लोगों को पता ही है कैसा होता है, रास्ता दिखाना बनता है। तो रास्ता देखो थोड़ा सा, जब तक हम पहुँचते नहीं हैं इवेंट तक। इवेंट में पहुंचते ही गाइस हमें मिल गई थी ये वाली वीआईपी पार्किंग, मतलब ये रास्ता है वीआईपी पार्किंग को जाने वाला। तो मस्त था, देखो हमारे आगे लोग दौड़ रहे, समझ रहे हो। आहा यार मज़ा आ गया। और ये कुछ ऐसी दिखती है वीआईपी पार्किंग जो खास हम लोगों के लिए बनी थी। तो लगा दी हमने पार्क, वीआईपी पार्किंग में गाड़ी। तो गाइस आप लोगों ने देख ही लिया कैसा हो रहा था बाहर से इवेंट। ये है अंदर का बूथ जिसमें हम लोग रुके थे, सारे क्रिएटर्स रुके हुए थे और यही फ़ोटो वोटो कर रहे थे। फिर हमने पी थोड़ी सी रेड बुल, क्योंकि इवेंट है तो रेड बुल पीना तो बनता है। सो गाइज यहाँ पे चल रहा है फुटबॉल वाला कुछ जो भी है। तो ये भाई तो एक्सपर्ट थे फुटबॉल में, जैसे कि मैं था पहले एक्सपर्ट, पर मैं ऐसे स्टंट नहीं मार पाता था, थोड़ा कुछ कर लेता था। अब आ गई थी फिर सौरभ भाई की बारी करवाने की। अब भाई बंदे को आता है तो दूसरे से तो करवाएगा, तो सौरभ भाई ने थोड़ा सा आड़ा तिरछा होके ट्राई करा। ऐसे ये बॉल देख रोई पंछी बनो उड़ता चलूँ मस्त गगन में ओए। अभी बस फिर इतना ही था थोड़ा सा। अभी ढह जाएगी बॉल, ये ढगे 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 ढगे। वो पीयूष को तो खुजली रहती है भाई, फुटबॉल ले जाता हूँ घर को। चेक करो यार कितना भयंकर होगा, लिटरली भयंकर। सॉरी ऑडियंस, और ज़्यादातर लोग जानते हैं सौरभ भाई को ही। मज़ा आ गया, एपिक चल रहा है सब कुछ। ये चेक करो भाई, ये बंदा भयंकर बंदा है यार ये भाई। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। लो लो भाई, ये आपका है, आपका रखो रखो रखो। भाई ने चेन दे दी थी, मैंने वापस कर दी। तो बढ़िया ना यार, इवेंट बहुत अच्छा है, शायद से रात तक रुकेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो गाइस इवेंट में मस्ती करने के बाद लग गई थी हमें भूख। आई हमारे लिए बिरयानी और हमने पेल दी सारी की सारी बिरयानी। आहा मज़ा आ गया। तो गाइस अभी हो गया था टाइम रात का, जो रात को हो रहा था एक इवेंट म्यूजिक शो हो रहा था, तो वो आप देखो। फाइनली गाइस हो चुका है इवेंट खत्म, मतलब सारी परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ, गेम वगैरह सब कुछ हो चुका है। हल्ला बहुत आ रहा होगा, पता नहीं मेरी साउंड आ रही नहीं आ रही होगी, पर मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। तो मैं आ गया गाइस, अब आगे जो भी होगा जैसा भी होगा मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, और वैसे भी वीडियो वॉइस ओवर में जा रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड आ रही थी, इसलिए तो मस्त था जो बेटा, मजा। सो गाइस यहाँ से हम निकल गए हैं वापस अपने रूम को, होटल रूम को। तो बस इतना ही था कुछ इवेंट, और मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। इवेंट अच्छा था, बस आप थक गए थे हम, तो चल दिए वापस बक के रूम को। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे। तो बस फिर आज का इवेंट कुछ अच्छा ही रहा, ऐसे ही रहा, आप लोगों ने देख ही लिया जैसा भी रहा। तो बस फिर इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही प्यारी वीडियो से। तब तक ले टाटा, गुड बाय।